जंगलों में आग लगने के लिहाज से पीक सीजन माने जाने वाले समय में 5000 से ज्यादा वन प्रहरियों की छुट्टी कर दी गई है। प्रहरियों के मानदेय देने के लिए बजट नहीं मिलने की वजह से फैसला लिया गया है। प्रहरियों को हटाए जाने के बाद जंगलों की आग पर काबू पाने में वन विभाग को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर बिना प्लान के तैयार की गई योजना, जिसकी वजह से हजारों वन प्रहरियों के सामने अब बेरोजगारी का खतरा मंडराने लग गया है। पिछली सरकार में कैंपा के तहत रखे गए वन प्रहरियों को लेकर अब बजट की व्यवस्था खत्म हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रहरी वन विभाग के सिस्टम से बाहर हो गए हैं। हालांकि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसको लेकर नई व्यवस्था बनाने की बात कही है। ये मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि एफिशिएंसी के हिसाब से उनको पदस्थापित किया जाए, काफी कुछ सुधार की आवश्यकता है वन विभाग में और उसके लिए काम कर रहे हैं। पिछले बीजेपी सरकार के दौरान प्रदेश में 10,000 वन प्रहरी रखे जाने की घोषणा की गई और इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं को रोजगार देने का भी दावा किया गया। पिछली सरकार में हजारों वन प्रहरी अपने अपने गाँव क्षेत्रों में वन प्रहरी के रूप में काम भी करने लगे। सरकार इस व्यवस्था के चलते उत्तराखंड से पलायन कर शहरों में छोटी मोटी नौकरी कर रहे लोग वापस अपने घर भी लौट आए और 8,000 रुपए महीना की इस योजना का लाभ भी लिया। लेकिन करीब 5 महीने चली इस योजना को 31 मार्च को खत्म कर दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अब कैंपा के तहत इस योजना के मद में बजट नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वो इस मामले को देख रहे हैं और विभाग में ऐसी कई कमियां हैं जिसको सुधारी जाने की जरूरत है। कुल मिलाकर सरकार की ओर से वन प्रहरियों को दोबारा काम दिलाने का आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन ये देखना है कि सरकार कब तक वन प्रहरियों के लिए बजट की व्यवस्था कर पाती है, ताकि बेरोजगारी का दंड झेल रहे वन प्रहरियों को जिंदगी में दोबारा खुशहाली आ पाए और वो दोबारा पलायन के लिए मजबूर ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आइए आपको इससे जुड़ी हुई ग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी देते हैं कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला। 7 महीने पहले वन प्रहरी तैनात किए गए, 8,000 की सैलरी पर नियुक्ति हुई, राज्य के सभी डिवीजन में तैनाती की गई और जंगलों में गश्त आग बुझाने का काम दिया गया। वन और वन्य जीव संरक्षण की भी जिम्मेदारी मिली। कैंपा से बजट की व्यवस्था की गई और पलायन रोकने में कामयाबी मिली। युवा छोटी मोटी नौकरी छोड़कर वापस लौटे। अचानक बजट की व्यवस्था खत्म हुई और 5,000 से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए। तो 7 महीने पहले वन प्रहरी तैनात किए गए थे, पूरा मामला आपको बता रहे हैं। 8,000 की सैलरी पर इनकी नियुक्ति हुई थी।